जय माता दी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाल किताब के कुछ ऐसे टोटके लेकर आए हैं जो बड़े कमाल के हैं। और दोस्तों इन्हीं नवरात्रों में आप इन टोटकों से, इन उपायों से अपने जीवन में लाभ कमा सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। जो आपके नवरात्रे अभी रहते हैं, आज षष्ठी का नवरात्रा है, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दोस्तों इन बचे हुए नवरात्रों में किसी भी दिन आप इस उपाय को आजमाकर देख सकते हैं। दोस्तों लाल किताब में कई ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें नवरात्र में अगर अपनाया जाता है तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और इसके अलावा अगर इन्हें पूरी श्रद्धा से किया जाए तो देवी माता प्रसन्न होकर भक्तों को उनकी मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि देती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कौन से वो ऐसे विशेष टोटके हैं, कौन से वो ऐसे लाल किताब के उपाय हैं जिनको अगर नवरात्रि में किया जाए तो माता रानी अपने बच्चों की, अपने भक्तों की मनचाही मन्नत को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए लाल किताब के जो अचूक उपाय हैं, आइए हम उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। देखिए जो सबसे पहला उपाय है, आपको नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में से कभी भी देवी माता के मंदिर में लाल पताका आप जरूर चढ़ाइएगा। और अगर आपके घर में भी मंदिर है तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं, और देवी माता के मंदिर में भी आप ध्वजारोहण कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी मन की कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, आपकी मुराद, आपकी मनोकामना, आपकी मन्नत कोई पूर्ण नहीं हो रही है, तो अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए नवरात्र में पूरे 9 दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी माता को आपको भोग लगाना है। और जब नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे यानी नवमी के दिन, इस भोग का सेवन सिर्फ आपको ही करना है। और एक और जो विशेष उपाय बताया गया है दोस्तों, किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए नवरात्र के पहले दिन से 9 दिन तक लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। और ये पान का बीड़ा अगर आप 9 के 9 नवरात्रे जाकर चढ़ाते हैं तो आपका कार्य 100% बनेगा। और दोस्तों आप नवरात्रि के किसी भी दिन हनुमान जी को ये पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं, माता रानी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। यह बीड़ा आपको स्वयं बनाना है और 9 दिन किए गए ये कार्य आप जिस भी मनसा के साथ करेंगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी। और यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई टोटका कर दिया है तो दोस्तों आपको एक बहुत ही सरल उपाय करना है, माता का नाम लेकर अपने घर में अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी चाहिए। अगर ऐसा ना कर सके तो 9 दिन सुबह शाम देवी माता के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक आपको 4 लौंग डालकर अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपकी जो कोई भी बाधा है, किसी भी कार्य की जो रुकावटें हैं, वो आपकी दूर होने लगेंगी और माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनने लगेगी। दोस्तों अगर धन प्राप्ति की इच्छा हो तो नवरात्र में घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे कि स्वास्तिक या फिर ओम या श्री, हाथी, कलश, दीपक, गुरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल आदि कोई भी एक चीज आप खरीद कर जरूर लाइएगा और इसे देवी माता के चरणों में समर्पित कर देवे। और नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि यह उपाय जीवन में कभी भी धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं आने देता है। अगर आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, फिजूल खर्ची ज्यादा रहती है या रोक शोक बना रहता है, या फिर आमदनी कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो दोस्तों पैसे की कोई भी किल्लत है, इस उपाय के द्वारा धन संबंधी आपकी हर परेशानी अवश्य ही दूर होगी।
और एक और महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर नियमित रूप से 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा भेंट की जाए तो इससे भी बहुत लाभ होता है। और दोस्तों अब क्योंकि 3 ही नवरात्रे बचे हैं तो 9 नवरात्रे आप नहीं भी कर सकते हैं, तो अष्टमी और नवमी के दिन भी आप इस उपाय को करके अपने जीवन की खुशियां ला सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही इससे जीवन में सुख शांति का भी वास होता है और इसके अलावा देवी माता से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग भी आप जरूर लगाइएगा। और दोस्तों अगर अपने घर में सुख शांति आप चाहते हैं तो आप दंपत्ति को 7 इलायची और मिश्री का भोग अष्टमी या नवमी को माता रानी को जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में शांति रहेगी, आपका प्रेम बना रहेगा, आपके दाम्पत्य संबंध में मधुरता आएगी और आपकी गृहस्थी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो कि शास्त्र अनुसार लाल किताब के अकॉर्डिंग हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि इन उपायों के द्वारा इन शारदीय नवरात्रों में भक्तजन अपना कल्याण कर सके, माता की कृपा को पा सके। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।